एक सलावात बाबा से बना। बरादरम मूसा भाई का बहुत ममनून मुतशक्किर। चार मिसरे आगाज़े कलाम में इमाम ज़मान से मुतालिक। रज़ाए रब के लिए इहतमाम कर पहले, रज़ाए रब के लिए इहतमाम कर पहले, इमाम असर हो राजी वो काम कर पहले। चला है जानिब मस्जिद नबी की सुन्नत है, इमाम बाड़े पे रुक कर सलाम कर पहले। चला है जानिब मस्जिद नबी की सुन्नत है, इमाम बाड़े पे रुक कर सलाम कर पहले। चंद शेर ये कुरान के हवाले से जो रदीफ दी गई थी उसी में। हमद रब्बे फातिमा नाते नबी कुरान है, हमद रब्बे फातिमा नाते नबी कुरान है, यूं समझ ले मुख्तसर मदहे अली कुरान है, यूं समझ ले मुख्तसर मदहे अली कुरान है। हर नबी का मोजज़ा साथ उसके रुख्सत हो गया, हर नबी का मोजज़ा साथ उसके रुख्सत हो गया। मुस्तफ़ा हम में नहीं पर आज भी कुरान है, हर नबी का मोजज़ा साथ उसके रुख्सत हो गया। मुस्तफ़ा हम में नहीं पर आज भी कुरान है, और मुनकिरे आले मोहम्मद देख रब का एहतमाम, मुनकिरे आले मोहम्मद देख रब का एहतमाम, कैसे झुटलाएगा इसको एक ही कुरान है। मुनकिरे आले मोहम्मद देख रब का एहतमाम, कैसे झुटलाएगा इसको एक ही कुरान है। दो दो किताबें हश्र तक पढ़ते रहेंगे अहले दिल, दो किताबें हश्र तक पढ़ते रहेंगे अहले दिल, एक किताब करबला है दूसरी कुरान है, एक किताब करबला है दूसरी कुरान है। मन घड़त लफ्ज़ों के माना कैसे दे सकते हैं आप, जो हुआ है 1400 साल में तावील में। मन घड़त लफ्ज़ों के माना कैसे दे सकते हैं आप, ये कोई नावल नहीं है शेख जी कुरान है। मन घड़त लफ्ज़ों को माना कैसे दे सकते हैं, मौला का एक जगह माना कुछ और एक जगह कुछ और, ये कैसे हो सकता। मन घड़त लफ्ज़ों के माना कैसे दे सकते हैं आप, ये कोई नावल नहीं है शेख जी कुरान है, ये कोई नावल नहीं है शेख जी कुरान है। मुझसे बेहतर जानते हैं उलमा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जो अहदीस हैं इस बारे में। ये कोई नावल नहीं है शेख जी कुरान है, असल में कुरान होगा वारिस कुरान के साथ, ये हमारे हाथ में तो ज़ाहिरी कुरान है, ये हमारे हाथ में तो ज़ाहिरी कुरान है। आखिरी शेर, गौर से खुतबात मासूमीन सुनकर ये लगा, गौर से खुतबात मासूमीन सुनकर ये लगा, कोई है नहजे बलागा और कोई कुरान है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد. قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا الله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صلوات سورہ مبارکہ یوسف کی پہلی دو آیتوں پر آج گفتگو کا موقع ملے گا اور تیسری آیت کو بھی کچھ تبرکاً اس پر غور کریں گے. اور آج کی اس نشست میں جیسا کہ آپ کو احساس ہے کہ پہلی دو نشستیں ہماری مقدماتی گفتگو میں مکمل ہوئیں, اس بات کے اعتراف اور احساس کے ساتھ کہ وہ بھی ناتمام رہی اور تشنئے فکر و تعقل اور تدبر کے اعتبار سے وہ ناتمام تھی, اور اس بات کا اقرار اور احساس کہ ہماری کم علمی, کم وقت کی قلت, اور اس بات کا احساس کہ ہمیں اختصار سے بھی کام لینا ہے مگر ناانصافی سے بھی محفوظ رہنا ہے, اس لیے بہت ساری چیزیں رہ بھی گئیں لیکن کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی آگے بڑھیں. آج جس آیت کی ہم نے تلاوت کی, یعنی پہلی آیت جو قرآن مجید میں سورہ مبارکہ یوسف میں الف لام را, کل حروف مقطعات پر قدرے کافی و شافی بات ہو چکی ہے کہ حروف مقطعات کیا ہیں, اور حروف مقطعات کو خود مقطعات کیوں کہا جاتا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ انہیں قطع قطع کر کے پڑھا جاتا ہے, الف لام را ایک ساتھ لکھا ہوا ہے مگر ہم اسے معاذ اللہ, معافی چاہتا ہوں, الر الر نہیں پڑھتے بلکہ اسے الف لام را توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں. لکھا ہوا الف لام میم ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں مگر ہم اسے علم نہیں پڑھتے, اسے ہم الف لام میم پڑھتے ہیں, اس لیے کیونکہ اسے منقطع قطع قطع کر کے پڑھتے ہیں اس لیے اسے حروف مقطعات, قطع کی جمع اور مقطعات کہا جاتا ہے. اور ایک سبب یہ کہ فہم بشر اس سے منقطع ہے, سمجھ نہیں سکتے اس لیے اسے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ گفتگو اور اس سے زیادہ تفصیلی گفتگو کل ہو چکی, لیکن اس کے بعد الف لام را کے فوراً بعد, اچھا یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ الف لام را وقف جائز, اس کے بعد آیت مکمل ہو رہی ہے تلک آیات الکتاب المبین. تلک, ذالک, ہوا, ہذا, یہ اشاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی ہے, یہ کتاب عربی زبان میں ہے. ابھی اس کے بعد والی آیت اسی بات کی طرف ہماری رہنمائی کرے گی. یہ جو تلکا کہہ کر اللہ نے بات کیا نا, بات کی ہے, تلک آیات الکتاب المبین, ہذا القرآن یہدی للتی احیا اقوم, یا مثلا کہا جائے کہ ذالک الذی, مثلا کہا جائے تلک آیات الکتاب, تلکا, ہذا, ذاکا, ذالکا, ہوا, ہذا, یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یہ عظمت کے لیے بیان ہو رہے ہیں. جہاں جہاں قرآن مجید کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی عظمت کا بیان ہے, اس کی رفعت کا بیان ہے, اس کی بلندی اور اس کی تعظیم کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اگر آپ کے آمادہ ہیں, سماتے میرے ساتھ ہیں تو ایک جملہ کہوں, قرآن مجید اگر یہ کہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقون, یہ وہ قرآن ہے کہ جو ہدایت پہنچاتا ہے اور تقویت اور مضبوطی عطا کرتا ہے, ھذا اگر قرآن میں سمجھ میں آ جائے گا تو غدیر میں بھی ھذا سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو اشارہ ہے نا ھذا کا, یہ عظمت بیان کے لیے بھی ہے اور مشارعن الیہ کی عظمت کے بیان کے لیے بھی, جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے.
और इशारा करके, देखिए इशारे में, इशारे का एक अपना काम है, इसीलिए मौला अली ने तो अल्लाह के बारे में इशारे को मना किया है, क्योंकि जब इशारा कर दिया जाता है, मौला फरमाते हैं अल्लाह की तरफ इशारा नहीं हो सकता, इसलिए कि जब आप इशारा कर देंगे तो इशारे में उसे महदूद कर रहे हैं। तो किसी के लिए महदूद करना अजमत है और किसी के लिए महदूद करना मजम्मत है। यानी अल्लाह के लिए जब आप इशारे में बात करेंगे तो अल्लाह को गोया महदूद कर देंगे और ये अल्लाह की शायन निशान नहीं है, लेकिन अगर कहीं और इशारा नहीं होगा तो फिर कोई और शामिल हो जाएगा, लिहाजा इशारा जरूरी है। कहीं इशारा ताजीम है तो कहीं इशारा जो है वो तोहीन है। तो अल्लाह के बारे में मौला फरमाते हैं कि ला निद्दिन वला जिद्दिन वला इशारतुन, अल्लाह के लिए कोई इशारा नहीं है, अल्लाह के लिए कोई निद और हद और जिद नहीं है, उसका उसका किसी से कोई मुकायसा ही नहीं है। यहां कुरान मजीद में अल्लाह ने तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, ये वो आयात हैं जो किताब रोशन में मौजूद है, रोशन और वाज़े किताब के अंदर मौजूद आयात। अजमत का बयान है, महजर कुरान की तरफ और कुरान की हाजिरी की तरफ रहनुमाई है। मैं खतीब जब कभी आपके सामने बयान करते वक्त ये कहता हूं कि कुरान की आयत पेश कर रहा हूं तो ये तौहीन कुरान है। रवा रवी में और मुहावरतन और राइज अल्फाज हैं, इसलिए कह दिया जाता है कि मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूं, मगर ना इस मकाम के, माफ कीजिएगा, आप हैं कि आपकी खिदमत में आयत पेश की जाए, और ना ही मुझे ये हैसियत हासिल है, ना ही मेरा ये कोई, मेरी कोई ये मुझे कोई अख्तियार हासिल है कि मैं आयतें आपके सामने पेश करूं, लेकिन हम मुहावरतन कह देते हैं। शायद मफहूम यही होता है कि हम सब आयत की खिदमत में पेश हो रहे हैं, हम सब आयत की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, हम सब मासूम के कलाम की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। तो जब इशारा किया जा रहा होता है तो गोया उसकी खिदमत में हाजिरी का उन्वान है कि ये, यानी ये हम हाजिर हो रहे हैं, ये जब इशारा करेंगे ये कौन साहब है, ये तो हम उनकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। तो यहां तिल का या हाजा का इशारा, ये या दालिका अलिफ लाम मीम दालिकल किताब, ये हुजूरी के लिए हैं, हाजिरी के इशारे हैं। फिर इरशाद हो रहा है कि ये किताब मुबीन है, ये रोशन किताब है, ये वाज़े किताब है, ये बोलती हुई किताब है, मुबीन। एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बयान और तौरफुल अशिया बे अज़दादहा, अशिया को उनकी जिदों से पहचाना जाता है। बयान मोहताज कलाम नहीं है, कुरान को बयान कहकर अल्लाह ने याद किया है, कभी मुबीन कहकर याद किया है। हादा बयानुन लिन्नास मौइदतुन लिल्मुत्तकीन, ये बयान है लोगों के लिए जो वाज है साहिबान तकवा के लिए, बयान लोगों के लिए है, वाज मुत्तकीन के लिए है। थोड़ी सी और तवज्जो चाहूंगा, इसी कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम दालिकल किताब ला रायबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, इसी कुरान में इरशाद फरमाया हुदल लिन नास। सबके हाथ मोबाइल हैं, आजकल सॉफ्टवेयर के अंदर कुरान आ जाता है, आप अभी डाउनलोड कीजिए और फिर इन दोनों आयतों को ढूंढ लीजिए। कुरान में हुदल लिन नास भी है, कुरान में हुदल लिल मुत्तकीन भी है। अल्लाह से सवाल यह है कि या अल्लाह ये मुत्तकीन की हिदायत के लिए है या आम लोगों की हिदायत के लिए? अगर ये आम लोगों की हिदायत के लिए तो फिर एक और जगह मुत्तकीन की हिदायत का क्यों पैगाम दिया गया है, और अगर ये मुत्तकीन की हिदायत के लिए तो आवाम की हिदायत का पैगाम क्यों दिया गया है? अजब नहीं इसका जवाब यह आए, और यकीनन जवाब ये तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि ये है लोगों के लिए लेकिन इस्तफादा इससे साहिबान तकवा करते हैं, है सबके लिए, है उमूमी, ये हादा बयानुन लिन्नास है, मौइज़ा है मुत्तकीन के लिए, बयान सबके लिए है, मगर इससे जो फायदा उठा पाएंगे वो साहिबान तकवा उठा पाएंगे। जिस तरह दस्तरखान पर आप तशरीफ फरमा हो और आप अपने मेहमान से कहें कि हुजूर ये तनावुल फरमाइए, हुजूर इस तरफ भी तवज्जो कीजिएगा, ये भी जरा देखिएगा खुश जायका है, इससे भी जरा अपना दहन जो है वो खुश जायका फरमाइए, जरा ये इसकी तरफ भी मेल फरमाइए, ये अच्छे अच्छे अल्फाज आप बोल के, लेकिन अगर उधर से आवाज आए कि मैं ये नहीं खा सकता इसलिए कि शुगर है,
मैं ये नहीं खा सकूंगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो खानों में कोई ऐब नहीं है, बीमार ये मेहमान है। कुरान तो सबकी हिदायत के लिए आया था, फायदा वो उठाता है जो साहिब तकवा होता है। मिलकर सलवात अदा करने मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहां भी तिलका आयातुल किताबिल मुबीन के ऊपर गौर कर रहा हूं। मुबीन बयान, रोशन वाजे किताब, आयात किताब मुबीन, वाजे और रोशन आयात खुदा, आयात कुरान, आयात किताब। कुरान का सबसे बड़ा कमाल अगर हम गिनती गिनेंगे तो उन बड़े कमालात में एक कमाल उसका बयान होना है, यानी उसका मुबीन होना है, यानी उसका रोशन होना है, यानी उसमें कोई उलझन नहीं है। कुरान शेर है, कुरान नसर है, तो फिर क्या है? मैं बार बार अपने बाएं बाजू के लोगों को देख रहा हूं, कुरान सलवात पढ़ ले रहा हूं मोहम्मद। कुरान अगर नसर है तो आप कह रहे हैं नहीं, इसलिए कि वो नसर के तकाजों से और नसर के मुतालबात से और नसर की शराइत से बालातर है। कुरान नज्म है तो नज्म की शराइत से बालातर है या मुख्तलिफ है? नज्म 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 की जो शराइत हैं, मैं इन साहिबान अदब को अपनी मालूमात से इनकी दुआएं चाहूंगा। नज्म का एक तकाजा यह है कि नज्म मुकफ़ा और मुसज्जा होना चाहिए, मुखय्यल और मौजून होनी चाहिए। नज्म जो है वो ख्यालात में जितनी गहराई होगी इतना ही नज्म अच्छी होगी, और ख्यालात जितने गहरे होते चले जाते हैं इतने हकीकत से दूर होते चले जाते हैं, और हकीकत से दूरी को हकीकत से दूरी का दूसरा नाम झूठ है। लिहाजा एक अरब अदीब कहता है कि अहसन शोरा मन कद बहू, सबसे बड़ा शायर वो है जो शायरी में झूठ बोलता हो। भाई मैं तो, मुझे तारीफ तो करने दी ना, मैं मजहबी शायरी की बात नहीं कर रहा जो हकीकत पर मुश्तमिल होती है, मैं शायरी की बात कर रहा हूं। या रब, अब देखिए झूठ देखिए सादी शिराजी का जी, या रब च चश्मे ईस्त मोहब्बत के मन अजान, ये कतरे आप खोरदमो दरिया गिरीस्ता हूं। अल्लाह ये मोहब्बत कैसा चश्मा है कि मैंने इस चश्मे से एक कतरा पिया और दरिया दरिया आंसू बहाए। कितना अच्छा बोला है झूठ। मगर यही जिसे झूठ हम कह रहे हैं, ये किनाया है, इस्तेआरा है, तलमी है, फसाहत है, बलागत है, यही हुस्न है कलाम का जी। ये शायरी नहीं है जिसे कुरान कहते हैं हम, इसलिए कि यह हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इससे बढ़कर कोई हकीकत है? अर रहमान अर रहीम, इससे बढ़कर कोई हकीकत है? मालिक यौम, रिधम है या नहीं, वजन पाया जा रहा है या नहीं, अल्फाज मुकफ़ा हैं या नहीं, काफिया के साथ हैं या नहीं अल्फाज। आप इसी सूरह मुबारक यूसुफ को ले लीजिए, पहली आयत मुबीन पे खत्म हो रही है, दूसरी आयत गाफिलीन पे खत्म हो रही है, तीसरी आयत साजदीन पे खत्म हो रही है, चौथी आयत अदुबू मुबीन पे खत्म हो रही है। काफी है या नहीं? चल बात पढ़ लेना मोहम्मद वाले जी। अल्लाह काफियों में बात कर रहा है मगर शायरी नहीं है जी। इंतहाई गहरे पैगामात हैं और इंतहाई हकीकत है, मगर ये शेर के तकाजों से बालातर और नज्म के तकाजों से बालातर। मैं दुआ लेने के लिए एक जुमला कहूंगा, जो शायरी के तकाजों से बालातर हो और नज्म के तकाजों, नसर के तकाजों से बालातर हो, उसी को एजाज और मौजजा कहा जाता है। जो किसी कलाम की दोनों किस्मों का पाबंद भी ना हो और कलाम भी हो। कलाम की तीसरी किस्म ही नहीं है, या नज्म है या नसर है। जो मैं भी बोल रहा हूं ये नसर है, उससे पहले जनाब मीर तकल्लुम ने कलाम पढ़ा ये नज्म था, ये नज्म में कलाम था और ये नसर में कलाम है। चौथी तीसरी किस्म क्या है? तीसरी किस्म
जो तमाम तर तकाजों से और तमाम तर कैदो बंदों से शुरू शर्त व शराइत से बाला तर और बुलंद तर हो, बाला तर हो, वो कलाम कलाम इलाही है। लिहाजा ये बयान है, रोशन बात है, वाजे बात है। और बयान कलाम का मोहताज नहीं है, लफ्जों का मोहताज नहीं है। बाद औकात बोल कर बयान दिया जाता है और कभी खामोश रहकर बयान दिया जाता है। हमेशा बोलने से बयान नहीं होता। हमने ऐसे ऐसे खतीब देखे हैं जो खामोश रहे मगर उनसे अच्छा बोल पाए जो बोल रहे थे। हजरत मैसम तम्मार, देबिल खुजाई, ये खामोश रहते थे तब भी बोल रहे होते थे। आइम्मा अहले बैत सबसे बड़ी मिसाल, ये खामोश रहते थे तब भी बोलते थे। बयान का ताल्लुक अल्फाज से लाजमी नहीं है कि हो, यानी बयान अल्फाज से का मोहताज हो जाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए कि बयान की जिद है इबहाम, दिक्कत। इबहाम यानी जहां पर बात रोशन ना हो, बात वाजे ना हो, उसे इबहाम कहा जाता है। मौकिफ, अंदाज, नजरिया वाजे ना हो, उसे इबहाम कहा जाता है। और इबहाम बहीमा के खानदान का लफ्ज है और बहीमा जानवर को कहते हैं। बहीमतुल अनाम यानी जिसकी जिंदगी में इबहाम पाया जाए वो हैवान है। तो मुमकिन है कि कोई इंसान नजर आए मगर उसकी जिंदगी में इबहाम पाया जाने की वजह से वो जानवर नहीं, जानवरों से पस्तर हो जाए, ये मुमकिन है। ये बयान है, इससे ज्यादा रोशन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वाज़े तौर पर पहुंचा दिया। कुरान ने खुद को यानी अल्लाह ने अपने कलाम को बयान, मुबीन जी और इन अल्फाज से याद किया। और इन्हीं आयात में एक आयत कुल्लो शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, यानी कुरान को भी मुबीन कहा है और इमाम भी कोई है जो मुबीन है, कोई वजूद जाहिरी भी है जो मुबीन है। मैं लफ्ज बदलूं के कुछ हैं जो बोलते हुए कुरान है और कुछ हैं जो खामोश कुरान। जो खामोश कुरान है वो कागजों और सफहात में उतरा हुआ है और जो बोलते हुए कुरान है वो पैकरों में ढले हुए हैं। मैं और लफ्ज बेहतर करूं कि अल्लाह जब अपने इल्म को कागज पर उतारता है तो उसे कुरान नाम देता है, पैकर में ढालता है तो मोहम्मद नाम देता है। ये चलता फिरता अल्लाह का कलाम है जिसे मोहम्मद और अली कहा जाता है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून, सूरह यूसुफ की दूसरी आयत। दिक्कत आपकी मेरे साथ है, ये मेरे लिए एजाज है। तर्जुमा सुनिए इस आयत का, इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबियन, हमने उसे नाजिल किया है पढ़ी जाने वाली अरबी में पढ़ी जाने वाली किताब। तो उसे और है, कुरान और है, हमने उसे नाजिल किया कुरान बनाकर पढ़ी जाने वाली। वो जो उसे इसका इशारा, इन्ना अंजलना हो का इशारा किस तरफ है, वो किताब मकनून, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, वो किताब मकनून कि जिसे साहिबान तहारत के अलावा कोई मस नहीं कर सकता। जब उसे वो ढालता है, लफ्जों में ढालता है, पैकरों में उतारता है, लफ्जों के कैद और बंद में उतारता है, तो उसके पास, अल्लाह के पास अरबी से ज्यादा बेहतर जबान नहीं थी। यानी कुरान अरबी में क्यों नाजिल हुआ है उस पर अभी गुफ्तगू करनी है। और अल्लाह ने इसे अरबी में नाजिल क्यों किया है, इंग्लिश में नाजिल क्यों नहीं किया, अल्लाह ने इसे फारसी में नाजिल क्यों नहीं किया। जी अल्लाह चाहता तो उर्दू उस वक्त बना लेता। अल्लाह ने और जबानों में नाजिल क्यों नहीं किया, अरबी में ही नाजिल क्यों किया है। लअल्लकुम ताकिलून, एक इल्लत तो उसने खुद बता दी लअल्लकुम ताकिलून, और छह इल्लतें मैं तफसीर के मुताले के बाद आज आपके सामने बताऊंगा कि क्यों अरबी में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। हमने इसे नाजिल किया है अरबी में पढ़ी जाने वाली किताब ताकि तुम गौर करो। कुरान यानी जिसे पढ़ा जाए, कुरान जिसे पढ़ा जाए, किरत से है ना, ये किरत के खानदान का लफ्ज है, जिसे पढ़ा जाए, मगर जो अरबी में पढ़ी जाए।
और ताकि तुम गौर करो। अरबी में क्यों, दिक्कत चाहूंगा। सबसे पहला सबब तरतीब में जो मैंने पहला रखा है, वो मुमकिन है कि हमेशा पहला ना हो, लेकिन मेरे ज़ौक के मुताबिक पहला सबब महबूब की ज़बान है। मेरा मोहम्मद अरबी बोलता है, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। बेहतर सलवात हदिया करें नबी की तरफ। मेरे महबूब की जबान है। हर शख्स अपनी मादरी जबान में बात करने को तरजीह देता है या नहीं? अच्छा, मादरी जबान किसे कहते हैं? मादरी जबान उनकी सिंधी है, इसलिए कि वो पहला तसव्वुर जो जबान में लेकर आते हैं वो सिंधी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो सिंधी घर में पैदा हो उसकी मादरी जबान सिंधी हो। मां की जबान को मादरी जबान नहीं कहते जी, वो जबान जो असल हो। मुमकिन है कोई इंग्लिश जबान बोलने वाला हो मगर वो उर्दू में पहले समझता हो, बस जो पहली फहम, पहला फहम जिस बात के लिए आमादा हो, जिस सांचे में, जिस कालिब में, जिस जाविये में, जिस जर्फ में पहला मतलब उतरता हो, मतलब जिस जर्फ में पहली मर्तबा उतरता हो, उस जर्फ को जबान की दुनिया में मादरी जबान कहते हैं। मुमकिन है कि कोई मसलन अरब जबान लोगों के घर में पैदा हो, मां तो अरबी बोलती है, अब्बा तो अरबी बोलते हैं, मगर इनकी मादरी जबान अरबी नहीं है। मादरी जबान का मतलब मां की जबान नहीं है, जबानों में जो मां जबान है उसके लिए उसे मादरी जबान कहा जाएगा। जिसमें मसलन एक अच्छा एक जिसमें उसका लाशऊरी में और छठी हिस्स जो जिसके अंदर काम करती है वो है मादरी जबान। फितरी तौर पर इंसान मादरी जबान को तरजीह देता है। मादरी जबान अच्छा उसे हट भी नहीं सकता, वो उसके हाथ में भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उसने इख्तियार कर लिया या कि आज तक मेरी मादरी जबान ये थी अब मेरी मादरी जबान ये, वो मादरी जबान उसके इख्तियार में भी नहीं है। मुमकिन है कि इसकी जबान मादरी बदलती हो, यानी कुछ अरसे तक तो वो फला मादरी जबान थी उसकी, अब उसकी मादरी जबान कुछ और हो गई है, ये भी मुमकिन है। बस जिस जबान में पहला फहम, पहली बात समझ में आती हो उसे, जिस जबान में वो समझता हो, वही मादरी जबान है। अबरार भाई ऐसे है, नबी की मादरी जबान अरबी का हक बनता है कि उसे कुरान में कुरान को उसमें नाजिल किया जाए। दलील दे रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। सबसे पहले तो यह कि लाल लकुम ताकिलून, ताकि तुम गौर करो। गौर करने का मतलब पूरा ही तब होगा, गौर करने का मकसद पूरा ही तब होगा जब कोई बात तो हो। क्या गौर करें, किस पे गौर करें, क्या बोला है जो गौर करें, कौन सा तीर मारा है तुमने, क्या बोला, क्या बात की है जो गौर करें, ये कौन सी बात की है जो गौर करें, ये सारे सवाल आप उठा सकते हैं अगर आपसे कहीं कोई गौर करने की दावत दे। लेकिन जब गहराई हो, जब उसमें वसत हो, जब उसमें पैगामात मुतबादिल और मुतनव्वे हो, जब एक लफ्ज के अंदर चंद कई माना निकलते हो, तब तो ये बात होगी कि इसमें गौर करो। जब कोई बात ही नहीं है तो गौर क्या करना है। अरबी जबान में क्योंकि एक लफ्ज कई कई मानी में इस्तेमाल होता है, लफ्ज एक है, जाहिर एक है, मसलन ऐन 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 गैन वाला ऐन ले लीजिए आप, इसके कोई 12 मानी तो लुगत ने लिखे हैं। जैसे जैसे उसका इस्तेमाल बदलता चला जाएगा ऐसे ऐसे उसका मतलब बदलता चलेगा, उसको आप वहां से उठा के कहीं और जुमले में रख दें तो मतलब कुछ और हो जाएगा। तो कुरान ने पहली इल्लत तो बयान कर दी, क्योंकि इस जबान में गौर करने के मौके ज्यादा हैं, इस जबान में तदब्बुर करने का मौका ज्यादा है, इसलिए लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम ज्यादा गौर करो। हमने इसे कुरानन अरबिया, हमने अरबी में पढ़ी जाने वाली किताब बनाया है, एक इल्लत। अच्छा, ये आपके जहन में रहे कि मुहावरतन भी अरब, अरबुल कुरान, अरबुल कलाम,
یعنی جب کلام واضح ہو جاتا تھا تو شاعر حضرات یا ادیب حضرات آواز لگاتے تھے عرب الکلام، اب بات واضح ہوئی ہے، عرب عرب عربی یعنی واضح ہو جانا کسی چیز کا، روشن ہو جانا کسی چیز کا۔ دوسری علت لے لیجئے، بلکہ تیسری علت، اگر قرآن کو عربی زبان میں نازل نہ کیا گیا ہوتا تو عرب قومیں ہدایت سے محروم ہو جاتی۔ یہ دوسری زبان کو زبان مانتے ہی نہیں ہے، جب یہ دوسری زبان کو زبان مانتے ہی نہیں ہے تو پھر قیمتی زمینیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں، قیمتی زمینوں پر آباد ہیں عرب، اہم ترین محل وقوع ہے سمندری اعتبار سے اور زمینی اعتبار سے عرب دنیا کا محل وقوع۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ علت میں نے نہیں تراشی ہے، یہ علت بزرگوں نے بیان کی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ دوسری زبان کو زبان مانتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک جگہ آیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم نے قرآن کو عجمی زبان میں نازل کر دیا ہوتا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں، عجمی میں بات کر رہا ہے، عربوں سے عربوں کو سنانا چاہتا ہے، یعنی یہ بولتے، پھر قرآن ہی کہہ رہا ہے اس بات کو سورہ فصلت کے اندر کہ اگر ہم نے اسے قرآن سے عربی سے ہٹ کر اس کو نازل کر دیا ہوتا تو یہ کہتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے، بات ہی واضح نہیں ہے، کیا بول رہے ہیں یہ۔ عجمیوں کو عرب گونگا بولتے ہیں، یعنی گونگے جو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، گونگا گونگے کی تو سمجھ لیتا ہے، یہ کہتے ہیں گونگا گونگے کی سمجھے گا، ہم اس کی نہیں سمجھیں گے۔ جی جی، میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ۔ لہذا اگر عربی میں نازل نہ کیا گیا ہوتا تو ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بڑی زمینیں، ایک دو زمینیں نہیں، سینکڑوں زمینیں ہیں، سینکڑوں ممالک ہیں، چھوٹے بڑے ملا کر علاقے ہیں جو اس ہدایت کے نظام سے محروم ہو جاتے، عرب قومیں ہدایت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ کا فطری نظام یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کسی نبی کو اللہ نے نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تو اس اپنی قوم کی زبان میں انہیں بھیجا ہے۔ تو اب یہاں اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر دین تو عربوں کا دین ہے، یہ قرآن تو عربوں کی کتاب ہے، نبی تو عربوں کے لیے تھے، ہم تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی نہیں کچھ۔ تو اس کے لیے پھر قرآن نے خود جواب دے دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں ایسا نہیں ہے، دل چھوٹا نہیں کرو، میں نے جسے بھیجا ہے وہ عالمین کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، اسے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ایک اور آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے حبیب تمہیں بھیجے ہی نہیں ہے مگر لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ آیت ختم رسول پر بھی دلیل ہے، تمہیں لوگوں کے لیے کافی بنا، تمہارے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، ایک آیت تو وہ ہے جس کے اندر ارشاد ہوا جہاں ارشاد ہوا وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم کا لفظ، اور ایک ہی آیت بھی ختم نبوت پہ دلیل ہے، وما ارسلناک الا کافتن للناس، ہم نے نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تو لوگوں کے لیے آپ کو کافی بنا کے بھیجا ہے۔ جب رسول اللہ ہمارے نبی، آخری نبی، سب کے لیے کافی بنا کر، انسانوں کے لیے کافی اور وافی بنا کر بھیجے گئے تو اب ان کے علاوہ کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے پھر یہ تسلی بھی دی کہ نہیں، یہ نہیں سمجھنا، ہاں وہ ضرورت تھی کہ کیونکہ نبی کی زبان عربی ہے، نبی کو جہاں میں اتار رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، وہ عربی بولتے ہیں، تو اس قوم کی زبان میں میں نے انہیں ضرور بھیجا ہے، مگر صرف ان کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تو عالمین کے لیے بھیجا ہے۔ یہ قرآن نے ہی اس شبہ کا ازالہ کیا ہے۔ چوتھا سبب وہ یہ کہ توہین رسالت اور انکار رسالت اور مخالفت نبی مکرم کے سامنے آتی اگر عربی میں قرآن نہ ہوتا۔ یہ جب عربی میں نازل ہوا ہے تب ان کا حال یہ ہے، اگر عربی میں نازل نہیں ہوا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا۔ اس سے زیادہ میڈیا دیکھ رہا ہے صلوات پڑھ لے محمد والے،
और बहरहाल कुरान मजीद ने अरबी को अहमियत देते हुए एक और जगह इरशाद फरमाया कि क्योंकि ये दूसरी लुगतों से ज़्यादा वसी लुगत है, इसके अंदर मानी और मफाहीम ज़्यादा पोशीदा हो सकते हैं, रखे जा सकते हैं। तो दो जगह कुरान ने इस लहजे को अपनाया है, एक तो यही जो सूरह यूसुफ़ के अंदर है, इन्ना अंज़लना कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून, और दूसरी जगह फरमाया इन्ना जअलना कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून, सूरह ज़ुख़रुफ़ में और सूरह यूसुफ़ में। इत्तेफ़ाक़ से सूरह ज़ुख़रुफ़ की तीसरी आयत है और सूरह यूसुफ़ की दूसरी आयत है, मगर दोनों में फ़र्क यह है कि एक जगह कहा उसने इरशाद हुआ इन्ना अंज़लना हो, यहाँ पर कहा है सूरह यूसुफ़ में, और सूरह ज़ुख़रुफ़ में फरमाया इन्ना जअलना हो कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून। तो जाल और इंजाल ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए अल्लाह ने, यानी करार दिया है, या अरबी में करार दिया है, अरबी में करार दिया है, कुरान अरबी में उतारा गया है, तो जाल अरबी है, उसकी हकीकत अरबी नहीं है, उसकी हकीकत उसकी अरबी नहीं है, हकीकत उसकी अरबी की तमाम तर वसअतों के बावजूद उससे बालतर है। फिर एक बहस और भी है, वो ये कि अरबी ज़बान के लिए नबी मुकर्रम ने फरमाया अना अरबियुन वल कुरान अरबियुन वल कलाम अहलिल जन्ना अरबियुन, मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी में है और जन्नतियों की ज़बान भी अरबी है। तो मुमकिन है कि हमारे मोहतरम सुनने वाले कहें कि फिर तो हम जन्नत में जाएंगे नहीं, इसलिए कि हमारी ज़बान तो अरबी नहीं है। लेकिन सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद, लेकिन मैं सिर्फ इशारा अर्ज करूंगा, बात मुझ पर तो रोशन है, अल्लाह करे मेरे बयान में भी रोशनी आ जाए। वो ये कि तवज्जो चाहूंगा कि इंसान के जो आज़ा है बदनी है ना, वो उसके कल्ब के मोहताज हैं, और कल्ब इसे नहीं कहते जो जिससे खून जिसमें आ रहा है और जा रहा है, ये फवात का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कल्ब का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, तो जितने भी हमारे मुदरकात हैं, महसूसात हैं, हमारी आँखें हैं, हमारे हाथ पैर हैं, हमारे आज़ाए बदन हैं, जो हम दर्क करने वाले जितने ज़राए हैं हमारे पास, ये सब मोहताज हैं कल्ब के। और कल्ब जो है वो एक ऐसी कैफियत और एक ऐसे उन्वान को कहा जाता है कि जिसका बयान सिवाय इस मुमलिकत बदनिया के कोई और नहीं समझ सकता। कितनी ही दफ़ा हुआ होगा कि आप पर एक बात आपके दिल पर उतर चुकी हो और आप समझा ना पा रहे हो, कितनी ही दफा हुआ होगा कि आपने एक बात को यकीन से मान लिया मगर आप समझा नहीं पा रहे, और आप उलझ के कहते हैं कि भाई मेरे गले पे छुरी रख दो, बात यही करूंगा, मैं समझा नहीं पा रहा हूं तुम्हें। वो जो कैफियत है ना, वो जो कल्ब की कैफियत है, वो जो मरकज इदराकात की कैफियत है, वो है जो समझने वाली जगह है, जो दर्क करने वाली जगह है, जो मरकज है मुदरकात का और महसूसात का। और ये दर्क करने वाली जगह है, ये जब उलझनों से बाहर निकलेगी तो इसे वही बात समझ में आने लगेगी जो बात समझने की है। ये जब इन कैदों से निकलेगा कि हाथ जो बताएगा वही मानेगा, जबान जो समझाएगी, जो आंखें दिखाएंगी वही मानेगा, जब इन कयूद से बाहर आएगा और सिर्फ कल्ब रह जाएगा, मरकज रह जाएगा, जिसे कभी अल्लाह ने वजहुल्लाह कहा है, कभी अल्लाह ने हुज्जतुल्लाह कहा है, जब सिर्फ और सिर्फ वो वजूद रह जाएगा तो फिर वही बात समझ में आएगी जो उसका खालिक समझाना चाह रहा है। अल्लाह करे मेरी बात मुंतकिल हुई हो। अजीजा ने गिरामी, इंजाल यहां पर इन्ना अंजलना हो कहा है अल्लाह ने, ये कुरान तवज्जो चाहूंगा, तजाफी नहीं हुआ है, तजल्ली हुआ है, ये बारिश की तरह नहीं गिरा है, ये नूर की तरह आया है। जैसे बारिश के कतरात गिरते हैं ना, कभी आपको उससे बुरा भी लगता है उसका मुंह पर पड़ना, सर पे पड़ना, लेकिन नूर का उतरना बुरा नहीं लगता। ये इंजाल कुरान और नुजूल कुरान ये तजल्ली की सूरत में है, ये तजाफी की सूरत में नहीं है। आयत आगे बढ़ रही है और हमारी रहनुमाई कर रही है, नहनो तवज्जो नकुस्सु अलैका अहसनल कसस बिमा औहैना इलैका हादल कुरान व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन, हमने तुम्हारे ऊपर ऐ मेरे रसूल बेहतरीन किस्से को नाजिल किया। हादल कुरान इस कुरान की सूरत में, व इन कुंता मिन क़ब्लिही लगाफिलून गाफिलीन, अगरचे तुम इससे पहले, अब जो लफ्ज़ है मैं मजबूर हूँ कि उसको वैसे ही बोलूँ, लेकिन जब तफसीर में जाएंगे तो बात रोशन होगी। इन कुंता
من قبل ہی لا من الغافلین, اگرچہ اے میرے نبی تم اس سے پہلے نہ جاننے والوں میں تھے. بہت ہی دل سے اور اہتمام سے ان کنتا من قبل ہی لا من الغافلین پر میں آپ سے کل بات کرنا چاہوں گا. یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ جانتے نہیں تھے, ادھم دعوے دار یہ ہیں کہ وہ یہ پڑھ کر آتے ہیں. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا, ادھر ہم دعوے دار ہیں کہ ان کے پاس علم ان کی خلقت سے پہلے کا ہے. ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ یہ علم لے کر آئے تھے. اسی قرآن سے ہم روشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ غافل کا مطلب جاہل نہیں ہے, غافل کا مطلب جاہل نہیں ہے. اور ان کنت من قبل ہی لمن الغافلین یہ جملہ جو ہے وہ آپ کے عدم علم اور معاذ اللہ نہ جاننے کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کر رہا, بلکہ اسی کے اندر نبی مکرم کی عظمت پوشیدہ ہے. لب و لہجے سے ظاہری طور پر تو یہ نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ تم تو جانتے نہیں تھے, ہم نے تمہیں بتایا. تو ایک اعتبار سے کہ ہاں علم ذات اور ذاتی علم اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کا ہے, اور اللہ کے علاوہ نبی مکرم اور اہل بیت کا جو علم ہے وہ عطائی علم ہے, یعنی اللہ عطا کرنے والا ہے. تو اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے کہ ان کا حصولی علم ہے جو اللہ ہی نے عطا کرتا ہے, یا عطائی علم ہے جو اللہ ہی نے عطا کرتا ہے, وہبی علم ہے جو اللہ ان کو موہبت فرماتا ہے, اور اللہ کا علم ذاتی ہے. لہٰذا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جس کے لیے ہم کل انشاءاللہ بات کریں گے. آج جو تھوڑی دیر اور آپ سے میں سہارا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص, ہم نے آپ کو بہترین قصہ بتایا ہے. سورہ یوسف اس احسن القصص, کل ہم بات کر چکے اس کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے حسن القصص ہے. یہ واقعہ قصہ کہتے کیسے ہیں, ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. قصے کی تین قسمیں ہیں, قصہ تین ناموں سے یاد کیا جا سکتا ہے. قصہ یعنی مجسم زندگی, قصہ یعنی تجربے کا بیان, قصہ یعنی تاریخ گوئی. قصے کی تین تعریفیں کی گئی ہیں, قصہ یعنی مجسم زندگی, جب آپ کسی کی زندگی کو مجسم کریں تو اسے کہیں گے قصہ گوئی, اسے قصہ کہا جائے گا. تجربات کے بیان کو قصہ, تاریخ گوئی کو قصہ. مولا ارشاد فرماتے ہیں بیٹا حسن تم نے, جب مولا نے فرمایا نا امام حسن نے بابا مجھے نصیحت فرمائے, تو فرمایا تم نے جس سے نصیحت مانگی ہے نصیحت اس کے علاوہ کوئی کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. اپنے لیے مولا نے جو فرمایا, فرمایا بابا مجھے کچھ نصیحت فرمایا, فرمایا تم نے جس سے نصیحت مانگی ہے اس کے علاوہ کوئی نصیحت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. اس لیے اب جملہ سنے مولا علی کا, اس لیے کہ بیٹا گزشتہ اقوام کے حالات سے میں ایسا آشنا ہوں جیسے میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. گزشتہ اقوام کے حالات سے میں ایسا آشنا ہوں کہ گویا میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. میں تمہیں تمام انبیاء کے واقعات ایسے بتاؤں گا جیسے میں ان کے ساتھ تھا. سماعت جی, میں گزشتہ امتوں کے حالات تمہیں ایسے بتاؤں گا کہ جیسے میں گویا ان کے ساتھ تھا. توجہ چاہوں گا, میں گویا ان کے ساتھ تھا. توجہ, آپ نے مولا کا ایک لقب کرار مکرر سنا ہے, آپ نے مولا علی کا ایک لقب کرار مکرر سنا ہے. کرار میدان میں ڈٹنے اور جمنے والے کو بھی کہا جاتا ہے, مگر یہ مطلب محدود نہیں ہے. کرار اسے کہتے ہیں جو ہر زمانے میں پلٹ کر آیا ہو, جو ہر دور میں پلٹ کر آیا ہو, جس نے ہر ایک کی مدد کی ہو اسے کرار کہا جاتا ہے. میں اپنی بات پر دلیل کے لیے سہارا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید میں روح القدس کا ذکر ہے. روح القدس لیس بملکن, وہ ملک نہیں ہے. روح القدس اللہ نہیں ہے. روح القدس ملک نہیں ہے. جبریل امی ہوا ملکن, ملک ہے. تو وہ روح القدس کون ہے کہ ایدنا ہو بے روح القدس, ہم نے نبیوں کی مدد روح القدس کے ذریعے کی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تو وہ ہے نہیں, ملک وہ ہے نہیں, جبریل امین نہیں ہے, اس لیے کہ جبریل ملک ہیں.
तो ये रूह अल-क़ुदस कौन है जिनके जरिए, जिसके जरिए अल्लाह नबियों की मदद करता रहा है, वो रूह अल-क़ुदस जिसके जरिए अल्लाह नबियों की मदद करता रहा है, उसे हम अपनी अकीदत की जबान में अली कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बलंतर सलवात नबी की ज़ात। मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुजस्सम जिंदगी को किस्सा कहा जाता है और तजर्बे क्या बयान किस्सा कहलाता है और तारीख गोई किस्सा कहलाती है। कुरान में जो किस्से मौजूद हैं और जो किस्से आप और मैं बयान करते हैं, इनमें फर्क है। कुरानी किस्सों में और बहुत सारी चीज़ों में एक ही है। कुरानी किस्सों में और हमारे बयान में आने वाले किस्सों में चंद फ़र्क हैं। मैंने 5 फ़र्कों को तरतीब दिया है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ किस्सा गो खुद खुदा है। नहनो न कुस्सो, अल्लाह कह रहे हैं हमने बयान किया ये किस्सा। कल बात पढ़ लें जरा मोहम्मद वाले वाले। चैलेंज है, तहदी है, इसके अंदर एक पैगाम है, इसमें एक रोब है, एक जलाल है। यहां किस्सा गो खुद अल्लाह है। अजीब है। अब आपका जौक और आप मुझे आमादा कर रहे हैं कि थोड़ा सा मैं और गहराई में जाऊं। वो अल्लमल कुरान है मगर उसे मुअल्लिम नहीं बोला जाएगा। तवज्जो। युफ्तीकुम फी हिन्ना, वो खवातीन के बारे में फतवा देता है मगर उसे मुफ्ती नहीं बोला जाएगा। कुरान पढ़ाए मैंने भी है। युफ्तीकुम फी हिन्ना, वो तुम्हें खवातीन के बारे में फतवा देगा मगर उसे मुफ्ती नहीं बोला जाएगा। तवज्जो। अजीब बात है, वो किस्सा गो है मगर उसे किस्सा गो नहीं कहा जाएगा। वो इससे बालातर है। वो फतवा देता है मगर मुफ्ती नहीं है। वो कुरान पढ़ाता है मगर मुअल्लिम नहीं है। वो जिसे पढ़ाता है उसे उसने मुअल्लिम बनाया है, इसलिए कि जब उसने कहा अल्लमल कुरान तो युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, नबी को बोला है। अल्लमल कुरान वो है मगर मुअल्लिम नबी है। शायाने शाने परवरदिगार नहीं है कि कहा जाए, मगर वो कह रहे हैं नहनु नकुस्सु अलैका अहसन अल-क़सस, मैं तुम्हें किस्सा बयान करने के लिए मैं तुम्हें यह किस्सा सुना रहा हूं। ऐ मेरे हबीब, मैंने तुम्हें यह किस्सा सुनाया है। तो क्योंकि और किस्सों में और इस किस्से में और किस्सों में और अल्लाह के बयान करदा किस्सों में एक मोटा फर्क यह है कि अल्लाह खुद यहां किस्सा गो है और जिसके ऊपर किस्सा बयान कर रहा है, उम्मत गलत फहमी का शिकार ना हो कि वो ये समझे कि जिसे किस्सा सुनाया जा रहा है उसे किस्से का पता नहीं था। वैस खाला रब्बू का लिल मलाइकते इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ऐ मेरे नबी याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, तो याद तो उसे करवाया जाता है जो मौके पर हाजिर हो। पूरा फरिश्तों के साथ हजरत आदम का जो किस्सा है उसे अल्लाह नबी को बयान कर रहा है और बयान करते हुए कहता है याद करो, तो याद तो उसे करवाया जाता है जिसने देखा हो, जो मौजूद हो। भाई ये तो मैं नबी की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। नबी का लुआबे दहन अली ले ले तो वो जानते हैं कि क्या गुजरा है। और ज्यादा बात आ जाइए, पता नहीं क्या कहा, मुझे नहीं मिल रहा उसके उसकी बुनियादी गुफ्तगू नहीं मिल रही। क्या कहा हजरत मोहम्मद हनफिया ने इमाम हुसैन से इमाम हसन के बारे में कि इमाम हसन हुसैन को अच्छा नहीं लगा। यानी एक भाई ने एक भाई से दूसरे भाई के बारे में न जाने क्या कहा कि इमाम हुसैन को अच्छा नहीं लगा। फरमाया इन्ना अखिल हुसैन, अब इमाम हुसैन का जुमला, इन्ना अखिल हुसैन कद आलमुना इल्मन, मेरा भाई हसन इन्ना अखिल हुसैन। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले। इमाम हसन से न जाने क्या कहा हजरत मोहम्मद हनफिया ने। हाँ, क्योंकि वो अरबी में, अरबी जो है तो वो तो तब्दील नहीं हो सकती ना,
क्या कहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद नफिया ने इमाम हुसैन के लिए, कि इमाम हसन ने फिर जवाब दिया, फरमाए इन आखिल हुसैन, मेरा भाई हुसैन, कद आलमन आलमोना इल्मन, मेरा भाई हुसैन हम सबसे बड़ा आलिम है। अब जरूरी नहीं है हर बात समझ में भी आ जाए, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद, ये कोई अच्छा शौक नहीं है। मौलाना की बात समझ में नहीं आई तो भाई ये किसी और जगह के लिए छोड़ दो। इन आखिल हुसैन कद आलमोना इल्मन, मेरा भाई हुसैन हम सबसे बड़ा आलिम है। वह असकलोना हेलमन, और हम सबसे ज्यादा हेलम और बुर्दवारी में सकील है, संगीन है। वह अकरबोना मिन रसूलिल्लाह रहमा, और रसूलुल्लाह की कुर्बत हुसैन को हम सबसे ज्यादा हासिल है। अब ये तीन जुमले तो काबिले हजम है किसी हद तक, मगर दो जुमले तरह सुनिए। फरमाते हैं मेरे मौला इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए, फरमाते काना युक्रउल वही कबला ही उन तक, हुसैन ने कुरान नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ लिया था। सुभान अल्लाह, काना युक्रउल वही कबला ही उन तक, कुरान मंतूक होने से पहले, मलफूज होने से पहले, कुरान मंतूक और मलफूज होने से पहले, कुरान मुंजल होने से पहले हुसैन ने पढ़ लिया था। अभी अल्फाज में नहीं ढला था कुरान तो हुसैन पढ़ते थे। काना युक्रउल वही कबलाई उन तक, और आखिरी जुमला जो मौला इमाम हसन फरमा रहे इमाम हुसैन के लिए, काना फकीहन कबलाई युखलक, हुसैन विलादत से पहले फकीह थे, मखलूक नहीं हुए थे, फकीह थे, हुसैन की तखलीक नहीं हुई थी, हुसैन फकीह थे। मेरा और आपका फकीह मोहतरम है, मुअज्जम है, उसके बगैर इज्तिहादी मसाइल में और तहकीकी मसाइल में मेरा आपका गुजारा नहीं है, मगर मेरा और आपका मोहतरम और मुअज्जम फकीह फतवा लिखने के बाद कहता है वल्लाहु आलम, मैंने अपनी मेहनत कर दी है मगर हकीकत तो अल्लाह ही जानता है, मैंने अपना इज्तिहाद दिखा दिया मगर हकीकत तो अल्लाह जानता है। मगर जब हुसैन इब्न अली बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे, हुसैन कहेंगे जो अल्लाह जानता है वो मुझे अल्लाह ने बता दिया है। हुसैन के फकीह होने में और आपके मेरे फकीह होने में ये मोटा सा फर्क है। सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले। भाई ये खून जिगर के मजामीन है। खून जिगर के मजामीन है जो आप तवज्जो से सुन रहे हैं। सलवात अदिया कर दें मोहम्मद वाले। ये कुरान जो मलफूज और मंतूक है और मुंजल है, ये कुरान ढला है अरबी के अंदर, ये अरबी में ढला इसलिए कि ये मेरी और आपकी हमारी जरूरत थी, इससे बेहतर जबान नहीं थी जिसमें गहराई ज्यादा हो, जिसमें वसत ज्यादा हो। ये किस्सा है, और इस किस्से के और आम किस्सों के अंदर एक मोटा सा फर्क ये भी है कि दूसरे किस्से तफरीह के लिए होते हैं, यहां मकसदियत है, ये लज्जतों के लिए बयान नहीं हो रहा बल्कि मकसदियत के साथ। लिहाजा इरशाद हुआ नकुस्सु अलैका, एक और जगह पर नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, ए मेरे हबीब हम तुम पर वाकयात को नाजिल करेंगे जो नबियों की खबरें हैं, नबियों से मुताल्लिक हैं। मा नुस्बतो बही फवादुक, ताकि दिल मजबूत हो, मकसदियत है वाकयात को बयान करने में। तीसरा, ये ख्यालात नहीं है, माएं अपने बच्चों को किस्से सुनाती हैं, ख्याल आती हैं, तस्वुर आती हैं, कहानियां हैं, शायद हकीकत में उसका कोई वजूद ही ना हो, लेकिन यहां ख्यालात से बालातर हकीकत है जिसे कुरान कहता है नहनो नकुस्सु अलैका नबाअहुम बिलहक, हम तुम्हारे पर किस्से को नाजिल कर रहे हैं और ये वाकयात हैं जो हक हैं। चौथा सबब, चौथा फर्क, माफ कीजिएगा, चौथा फर्क, ये इबरत है, सीखने की चीजें, दर्स है इसके अंदर। लिहाजा इरशाद हुआ लकद काना फी किससिहिम इबरतुन,
یہ ساری آیتیں پڑھ رہا ہوں میں, اور ہم نے ان قصوں کے اندر عبرتوں کو رکھا ہے. اور پانچ سبب, اس لیے اللہ نے قصوں کو قرآن میں بیان کیا ہے تاکہ تفکر اور تعقل کا موقع ملے. کبھی غور فرمایا, بعض آیتوں کے ساتھ جڑی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. آیت میں مذکر کی ضمیریں چلنی تھیں پھر مونث کی آ گئیں, مونث کی چل رہی تھی پھر مذکر کی آ گئیں. جو جانور پہاڑ سے گر کے مر جائیں, ایک جانور دوسرے جانور کو سینگ مار دے اور اس کے سینگ مارنے سے وہ مر جائے, یا اس میں کوئی دیوار اور پتھر گر جائے اور مر جائے, یہ سارے جانوروں کا گوشت حرام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. کیا ربط ہے جانوروں کے حرام گوشت, جانوروں حرام ہو جانے والے جانوروں کے تذکرے کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم کا کیا ربط ہے؟ یہ آیت کہیں اور کی ہے. یہ جو بظاہر مجھے اور آپ کو بے ربط آیت نظر آ رہی ہے, بے ربط آیت نہیں ہے, لعلکم تعقلون ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. زیادہ تر حادثات موٹر وے پر ہوتے ہیں یا شہروں میں ہوتے ہیں؟ موٹر وے کے حادثات کا تو پھر بچنے کی امید ہی نہیں ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ تیز رفتار گاڑی اور ایک اسپیڈ سے چلنے والی گاڑی, جہاں اسپیڈ بریکر نہیں ہوتے, جہاں موڑ نہیں ہوتے, جہاں جی پیچ و خم نہیں ہوتے, وہاں حادثات زیادہ ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں روکا ہے, رکو غور کرو آیات کو اس انداز سے رکھنے کے لیے. جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے تاکہ غور کر سکو, جلدی جلدی نہیں گزرو. اس آیت کا اس آیت کے ساتھ تمہیں ربط نظر نہیں آ رہا, تم بس اسی میں الجھے ہوئے ہو کہ ربط نہیں ہے. تم اس میں کیوں نہیں اتر رہے کہ تمہیں اس لیے روکا گیا ہے تاکہ غور کرو. لعلکم تعقلون, ہم نے تمہیں اس لیے یہاں رکھا تاکہ تم اس پر غور کر سکو. عزیزان گرامی, قرآن کا یہ جو سورہ ہے, میں شاید کل یا اس سے پچھلی نشست میں کہہ چکا ہوں کہ جب رشتہ دار, عزیز و اقارب, پڑوسی, دوست, احباب, خاندان والے, قوم اور گویا ملت والے اپنے لوگ تنگ کرنے لگیں تو حکم ہے کہ اس سورے کو پڑھو. اور تسلی ہوگی کہ میں کون ہوں جب حضرت یوسف کے ساتھ یہ ہوا. تسلی ہوگی کہ میری اور آپ کی, ہماری کیا حیثیت ہے جب ان لوگوں نے امام حسین کو مار دیا کہ جنہوں نے نبی کے دوش پہ دیکھا تھا, جنہوں نے زبان چساتے ہوئے دیکھا تھا. ہمیں حوصلہ ملے گا اس سورے کو پڑھنے کے بعد کہ جب نبی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے. یہ مسائل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. یہ سورہ اعتماد دینے والا سورہ ہے. میری اپنی آرزو خواہش بھی تھی, اور آج عالم شاہ جی نے بھی فرمایا کہ دو جملے مصائب کے ضرور پڑھ دیں, تو چلیے حسین مولا کے ساتھ کیا کیا, صرف دو جملے میں کہہ کر اپنی بات کو کمال مکمل کروں, کمال دوں. جانتے تھے کہ یہ کون ہے. محدث دہلوی کہتے ہیں محرم نمبر میں, خاص اپنے رسالے کے اندر کہتے ہیں, اور سر و شہادتین میں بھی بلکہ انہوں نے اس کو لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں عصر عاشور حسین اس حدیث کو بار بار زبان پہ دہراتے تھے کہ کیا تم نے میرے نانا سے نہیں سنا, ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت, حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بار بار اس لیے حسین کہہ رہے تھے تاکہ یہ اس زمانے میں چلے جائیں, انہیں اندازہ ہو کہ جنت تو حسین کے ہاتھ میں ہے, حسین کے بغیر تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا. مگر عجیب بات نہیں تھی, کیا کہیں اس منزل پر کہ حسین مولا کو گھوڑے سے گرانے والے اللہ اکبر بول رہے تھے.
हजरतारों मेरे माँ बाप आबा अजदाद हमारी नस्लें कुर्बान इमाम हुसैन की जूतियों पर। अगर हमारा कोई बुजुर्ग गिर रहा हो तो हम आगे बढ़ के सहारा देते हैं, हत्ता हम ना भी जानते हों कि ये कौन है मगर कोई गिरे तो उसे बढ़कर सहारा देते हैं और पूछते हैं कि आपको चोट तो नहीं लगी, आपको क्या हुआ? करबला के मैदान में हुसैन गिर गए, किसी ने बढ़ के सहारा नहीं दिया। वो बज़ाहिर जिसे बेजबान, जिसे जानवर, जिसे घोड़ा बोलते हैं, उसने अपने घुटने टेक दिए थे कि हुसैन को तकलीफ कम से कम हो। और बहुत देर तक इमाम हुसैन के गिर्द चक्कर काटता रहा कि सिपाहियों को नज़दीक ना आने दे। बस ये वाकया सुन लीजिए, मैं अपने बयान को मुकम्मल करूं। पिसरे साद ने आवाज लगाई, कोई जुलजना को तीर ना मारे, मैंने बचपन में नबी को इस पे बैठे देखा है। अल्लाह हू अकबर, इसे पकड़ कर ले आओ, मैं तबर्रुक के तौर पर अपने पास रखूंगा। सिपाही गए जुलजना को पकड़ने के लिए, उसने जो करीब आता था उन्हें जख्मी करना शुरू किया, जख्मी करता था। कहते हैं 80 सिपाहियों को जुलजना ने जख्मी किया। फिर पिसारे साथ की आवाज आई, जरा पीछे हटो, देखो ये करता क्या है। जब सिपाही पीछे हटे तो घोड़े ने दाएं बाएं देखना शुरू किया तो उसे अंदाजा हुआ हुसैन से दूर हो गया है, यानी जहां इमाम हुसैन को उतारा था अजरो कमल अल्लाह, अब वहां ये नहीं रहा। हुसैन दूर है, ये कहीं दूर आ गया है। सुनेंगे तो जमीन पर ऐसे पैर मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो, और फिर मातम करता हुआ दौड़ा है उस तरफ जहां हुसैन को उतारा था। मगर रोने वालों, जुलजना को देर हो गई थी, हुसैन के गले पे चाकू छुरी चल चुकी थी, मेरे मौला का गला बुरीदा, गुलू बुरीदा हो चुका था, इमाम की रगों से खून निकल रहा था। इसने अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से रंगीन किया। बस आखिरी जुमला, और जमीन पर, जमीन करबला पर ऐसे ऐसे पैर मार रहा था जैसे इसे ज़िबह किया जा रहा हो। आपने बहुत सुना होगा कि बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है और बाप भी बेटियों से जरा ज्यादा प्यार का इजहार करते हैं। मैंने करबला के मख्तल में देखा है, जुलजना खबर शहादत पहुंचाने आया तो ढूंढ रहा था कि सकीना कहाँ है, और उसी खेमे पे जाके खड़ा हुआ जिस खेमे में सकीना थी। बीबी खेमे से बाहर आई, बाबा के घोड़े की गर्दन में हाथ डाला रखा और फिर एक ही जुमला कहा, या जवादो अभी हल सुकिया अभी हम कुतला अच्छाना, ए मेरे बाबा के बाबाफा घोड़े, मुझे बस इतना बता दे, पानी पिलाकर मारा। मेरा बाबा प्यासा बहुत था या मेरे बाबा को प्यासा मार दिया। अला लअनतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन, या अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल फरमा और हुमीन मफ़ूरीन के दर्जात को बुलंद फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इल्तमास है एक सूरह फातिहा 3 मरतबा, सूरह इख़लास मौलाना सैयद मोहम्मद और नकवी, सैयद जाफ़र अली रिज़वी, सैयद नजमुल इस्लाम रिज़वी, सैयद नजमुल हसन रिज़वी, सैयद बशीर हुसैन रिज़वी, सैयद ज़हीर हुसैन रिज़वी, सैयद अमीर हसन रिज़वी, सैयद निसार हुसैन, सैयदा मलिका खातून, सैयदा सालिहा लुबना तकवी, सैयदा आबदा बेगम तकवी, सैयद अमरुद्दीन निसा, सैयदा ज़मरुद्दीन निसा, सैयद उम्मे फरवा, सैयद हाशमी बेगम, शाहबानो ग़ुलाम हुसैन, तहसीन फ़ातिमा, सैयद अली हसन जैदी, आपके मरहूमिन रहमतुल्लाह मन अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.